हेलो फ्रेंड्स, स्टिच कारीगरी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साड़ी से कलियों वाला लहंगा का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। इस प्रोजेक्ट के लिए नेट का साड़ी लिया है, सो साड़ी को ओपन करेंगे। सबसे पहले साड़ी में अगर फॉल लगा हो तो उसे सेपरेट कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। अब यह नेट का साड़ी है, इस साड़ी के चारों तरफ बॉर्डर अटैच है, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉर्डर को कट कर लूँगी। सो साड़ी के चारों तरफ से बॉर्डर को कट कर लेंगे। बॉर्डर कट करने के बाद साड़ी को चौड़ाई वाले भाग से मैंने 8 लेयर में सेट किया हुआ है, जिसे साड़ी का दोनों खुला भाग है और ये दो बंद भाग हुआ, और यहाँ पर इसका 4 फोल्ड है, तो साड़ी यहाँ पर 8 लेयर में सेट है। अब इसे चौड़ाई वाले भाग से ही एक बार और सेंटर से फोल्ड करते हुए 16 लेयर में साड़ी को सेट कर लेंगे, और यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे ताकि साड़ी में कोई भी सिलवटें वगैरह ना हो। उसके बाद साड़ी के एक साइड पर करीब 1.5 इंच छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से कली का लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, जिससे इसका लेंथ 41 इंच है, सो उसमें 1.5 इंच का बेल्ट अलग से माइनस करेंगे और 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद करीब 1.5-2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। जब कली को हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते वक्त कली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे। सो 41 इंच लेंथ के लिए 42 इंच लेंथ में लेकर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर साड़ी 16 लेयर में सेट है और साड़ी के दोनों साइड बंद भाग है, सिर्फ साड़ी का 2 लेयर ओपन है। अब कलियाँ का कटिंग करेंगे, सो यहाँ पर टोटल कली 32 होगा और बेस्ट राउंड 36 है, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1.12 आएगा, और उसमें 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद 2.12 आएगा। सो यहाँ पर कपड़ा का बंद भाग है, सो इंची टेप को 2.2 को डबल फोल्ड करके मार्क करेंगे। लोअर कली का विड्थ 6 या 7 इंच रखें, मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ और उसमें 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करूँगी। सो 7.5 इंच को भी डबल फोल्ड करके यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि इस साइड भी कपड़े का बंद भाग है। अब इन दोनों मार्किंग को तिरछे लाइन बनाते हुए मिला लेंगे। अब इस साइड पर अपर कली का विड्थ का मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर टोटल मेजरमेंट लेंगे, जिसे टोटल यहाँ पर 2.12 आया था, सो यहाँ पर 2.12 पर मार्क करेंगे। और इस साइड पर बॉटम कली का मेजरमेंट 7.5 इंच आया था, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स को तिरछी लाइन बनाते हुए मिला लेंगे। सो यहाँ से हमारा 16 कली और इस साइड से 8 कली का मेजरमेंट हो गया है। सो इस साइड भी साड़ी का सारा पार्ट बंद है, सिर्फ साड़ी का दोनों किनारा खुला हुआ है। सो जैसा मेजरमेंट हमने इस साइड लिया है, सेम मेजरमेंट उस साइड ले लेंगे, जैसे 2.12 को डबल फोल्ड करके किनारे से मेजरमेंट ले लेंगे अपर कली विड्थ के लिए, और बॉटम साइड पर बॉटम कली का मेजरमेंट के लिए 7.5 इंच को डबल फोल्ड करके ले लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को भी तिरछी लाइन बनाकर मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 32 कली का मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। आप सब मुझे अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सेट से जो 8 कली निकलेगा उसमें से 2 कली ओपन होगा, क्योंकि साड़ी का दोनों किनारा इस साइड पर है। बाद में जब कली को कट कर लेंगे तो सबसे पहले उन दोनों कलियों को आपस में मिलाकर ज्वाइन कर लेंगे। सो इन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, क्या आप लोग को मेरा वीडियो हेल्पफुल होता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। इस साइड पर इन दोनों कलियों का जो बीच का पार्ट है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, उसे सेपरेट कर देंगे। इस पार्ट को यहाँ से सेपरेट कर देंगे। इस तरह से हमने 32 कलियों का कटिंग कम्प्लीट कर लिया है। अब लाइनिंग का कटिंग करेंगे। सो लाइनिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में सेट किया है। लाइनिंग का लेंथ मेन कली से 1 इंच कम रखना है, सो इसका लेंथ 40 इंच रखेंगे। सो लाइनिंग को यहाँ पर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सो अपर पार्ट का लेंथ 21 इंच होगा, जिसमें 1.5 इंच का अपर बेल्ट माइनस करके 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। सो इसका लेंथ 20.5 इंच लिया है और 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई 15 इंच रखा है। यहाँ पर बेस्ट राउंड का 4th भाग लेकर उसमें 1/2 इंच लेकर मार्क करेंगे। उसके बाद बॉटम पार्ट से इसे तिरछी लाइन बनाकर मिला लेंगे और साइड में यहाँ 1/2 इंच ऊपर लेते हुए गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद इस मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे और इसके बॉटम पार्ट का लेंथ 19 इंच होगा, जिसमें 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके 20 इंच लेंथ में रखा है।
और इसकी चौड़ाई के लिए अपर पार्ट के बॉटम राउंड का डबल फैब्रिक रखेंगे इसमें गैदर बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। सो अब इसका स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले चार कली को लें और चारों को पहले सेट कर लें। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इन सभी कलियों को आपस में मिलाकर ज्वाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों कलियों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ज्वाइन करने में थोड़ा कली ऊपर नीचे फैब्रिक हुआ है उसे कट करके स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर में कट करके स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद कली का लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। अब हमारा यहाँ पर जितना हमें कली का लेंथ रखना हो उतना लेंथ लेकर मार्क करेंगे। जैसे कली का लेंथ का मेजरमेंट 40.5 इंच आया था तो अब हम यहाँ पर 40.5 इंच लेंथ लेकर मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद नीचे से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। फ्रेंड्स सेम तरीके से सभी कलियों को चार कली ज्वाइन करके इसी तरह लेंथ में लेकर कट करेंगे। फ्रेंड्स ऐसा करना जरूरी है, अगर सभी कलियों को आपस में ज्वाइन करके लेंथ में कटिंग करेंगे सो उसके बाद फ्लेयर जो है छोटा बड़ा हो जाता है और दिखने में भी स्मार्ट लुक नहीं देता है। सो ऐसा करना जरूरी है, सबसे पहले चार कली को लें आपस में ज्वाइन करें, उसके बाद लेंथ में लेकर कट करें, उसके बाद चार चार कलियों को मिलाकर ज्वाइन करें। जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप देख सकते हैं चार कली को मिलाकर ज्वाइन किया है और उसके बाद दूसरे चार कली को लेकर आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त कलियों को खींचे नहीं, हल्के हाथों से ज्वाइन करें। इस तरह से 16 कली ज्वाइन करने के बाद दोनों 16 कलियों को आपस में मिलाकर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद लाइनिंग का सिलाई करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने लोअर बॉटम पार्ट पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन कर लिया है। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉटम पार्ट पर गैदर बनाकर इसे अपर पार्ट के बॉटम राउंड से ज्वाइन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब इसे टर्न करके राइट साइड करेंगे, उसके बाद दूसरे पैनल को इसके ऊपर रखकर एक साइड से सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लहंगा में केनकेन लगाना चाहते हो तो केनकेन भी इसी तरह प्लीटेड बनाकर इसी तरह अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से सिलाई कंप्लीट कर दिया है। अब इसे ओपन करेंगे और कली को और लाइनिंग को एक दूसरे पर रखकर सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइनिंग और कली आपस में ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्लेयर जो है नीचे से इक्वल आया है। लाइनिंग और कली को अटैच करने के बाद अब इसके दोनों साइड ओपनिंग बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप लिया है और स्ट्रिप के दोनों साइड के फैब्रिक को फोल्ड किया है और उसके बाद सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को वेस्ट ऑन के किनारे पर रखकर ऊपर से एक टॉप सिलाई करके अटैच कर लेंगे और सेम प्रोसेस दोनों साइड करेंगे। दोनों साइड स्ट्रिप को अटैच करने के बाद अब इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। सो इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप लिया है, स्ट्रिप के दोनों साइड के फैब्रिक को भी फोल्ड किया और उसे भी सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब कली को इस बेल्ट के बीचों बीच रखकर ऊपर से एक टॉप सिलाई करके बेल्ट को अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स बेल्ट को अटैच कर दिया है, अब इसके फ्लेयर राउंड को सिलाई करेंगे। सो इसके लिए साड़ी के फॉल को लिया है और फॉल के ऊपर 1 इंच का पेस्टिंग पेपर रखकर आयरन करके इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर के दोनों साइड 1/2 इंच फैब्रिक रखते हुए कटिंग कर लेंगे और नेट का फ्लेयर राउंड के लिए डोरी का पाइपिंग तैयार कर लेंगे। सो डोरी को यहाँ सेंटर पर रखकर अटैच कर लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसका भी कटिंग कर लेंगे। सो पेस्टिंग पेपर के द्वारा लाइनिंग पार्ट का बॉटम राउंड का सिलाई करेंगे और पाइपिंग के द्वारा कलियों वाला फ्लेयर राउंड का सिलाई करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर पेस्टिंग पेपर को लाइनिंग के बॉटम पार्ट से मिलाते हुए रखकर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका सिलाई कंप्लीट कर दिया है, अब इस पेस्टिंग पेपर को अंदर फोल्ड करते हुए एक टॉप सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड से थोड़ा ओपन रखा है क्योंकि साइड से सिलाई करने के बाद इसे राउंड में बाद में सिलाई करेंगे। उसके बाद कलियाँ का बॉटम राउंड का सिलाई करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पाइपिंग तैयार किया हुआ है, अब इस पाइपिंग को बॉटम राउंड पर रखकर पूरे बॉटम राउंड के चारों तरफ इसे अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद इसे भी अंदर फोल्ड करके पाइपिंग के किनारे से उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 2 ऊपर से टॉप सिलाई करेंगे। अब इसे साइड से सिलाई करके क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों साइड से आपस में मिलाते हुए इसे रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे।
यहाँ तक सिलाई करने के बाद दोनों फ्लेयर राउंड को यहाँ से सेपरेट करेंगे। सो इसके लिए लाइनिंग पार्ट को सिलाई पॉइंट तक कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लाइनिंग वाले पार्ट पर लगाएंगे। कट लगाने के बाद लाइनिंग पार्ट को पहले सेपरेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले फ्लेयर राउंड को दोनों पार्ट को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से होते हुए नीचे बॉटम राउंड तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को अंदर करके लाइनिंग पार्ट के दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर साइड का सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने दोनों फ्लेयर को सेपरेट किया है और ऊपर से भी इसका फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आया है और इस तरह से मैंने बॉटम राउंड को भी राउंड में सिलाई कंप्लीट कर लिया है। सो इस तरह से कलियों वाला लहंगा का सिलाई कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। इस मेजरमेंट के थ्रू आप किसी भी साइज का लहंगा आप बना सकते हैं। और चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।